दोस्तों, जब से हेरा फेरी 3 की तीसरी किस्त शुरू हुई है तब से ये फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की बेमिसाल तिगड़ी एक बार फिर हेरा फेरी 3, जिसका नाम इस बार हेरा फेरी 4 हो सकता है, वे अपनी कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म के प्रोमो शूट से अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल का फर्स्ट लुक लीक हुआ था, जिसमें तीनों ही अपने अपने किरदार राजू श्याम और बाबूराव के किरदार में नजर आए। और अब हेरा फेरी 3 की कहानी को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। हर किसी को हेरा फेरी 3 की कहानी को जानने की उत्सुकता है। तो दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि इस बार फिल्म के तीनों अहम किरदार राजू श्याम और बाबूराव, जिसे अक्षय, सुनील शेट्टी और परेश निभा रहे हैं, ये तिगड़ी इंटरनेशनल ट्रेवल करेगी। इस बारे में परेश रावल ने फिल्म के शेड्यूल के साथ ही मिड डे से बातचीत में यह खुलासा किया और बताया, हम 3 महीने में शूटिंग शुरू करेंगे। यह मुंबई में एक लंबा शेड्यूल होगा। फिल्म की शूटिंग अबू धाबी, दुबई और लॉस एंजेलिस जैसे देशों में भी की जाएगी, क्योंकि बाबू भैया राजू श्याम इस बार विदेश जाने वाले हैं। इस बार वे तीनों इंटरनेशनल लेवल पर हेरा फेरी करेंगे। दोस्तों, परेश रावल सर हाल ही में प्रोमो शूट के लिए अपने सह कलाकारों से मिलकर खुश थे। इस पर उन्होंने कहा, उनसे मिलकर घर वापसी जैसा लगा। अक्षय और सुनील के साथ शूटिंग करना हमेशा मजेदार होता है। वे प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, जो अपने काम को लेकर असुरक्षित नहीं है। हमारे बीच परस्पर सम्मान है। दोस्तों, इससे पहले हेरा फेरी 3 में अक्षय सर की जगह कार्तिक आर्यन को लेने की खबरें थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए परेश रावल सर ने खुलासा किया, जहाँ तक मुझे पता है शुरुआत में कार्तिक और अक्षय दोनों फिल्म करने वाले थे, लेकिन यह काम नहीं कर सका। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। दोस्तों, हेरा फेरी जिसे प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित किया गया था, एक गरीब जमींदार और उसके 2 किराएदारों की कहानी थी और कैसे वे एक गलत नंबर प्राप्त करने के बाद अमीर बन जाते हैं। फिर इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आया, फिर हेरा फेरी, जिसे नीरज ओरा ने डायरेक्ट किया था। इस किस्त में कहानी को और आगे ले जाया गया और अब मेकर्स इसका तीसरा पार्ट बना रहे हैं, जिसका नाम हेरा फेरी 4 हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से हेरा फेरी के तीसरे पार्ट का डायरेक्टर कौन होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर दोस्तों आप भी अक्षय कुमार के फैन है, तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।